गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बिट्टू सिंह आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद बिट्टू सिंह पे। पिछले क्लास में हमने 10वीं कक्षा के समीकरण के बारे में पढ़ा था और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कक्षा 10वीं के लिए। तो देखते हैं कि द्विघात समीकरण, जैसे कि हमने समीकरण का परिभाषा आप लोगों को पहले ही बता दिया था उस वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए 20 मिनट का समय मैं लूंगा आपसे, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप इस 20 मिनट को अच्छे से देख लेते हैं, 20 मिनट के वीडियो लेक्चर को, तो आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, ये गारंटी है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आए तो इस दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है? जैसे कि हमने समीकरण को पहले ही परिभाषित कर दिया है कि समीकरण क्या होता है, तो आज द्विघात समीकरण के बारे में बोलते हैं। द्विघात समीकरण का ये फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप के समीकरण को हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं, जहां ए बी और सी जो रिलेटेड है रियल नंबर होते हैं, और एक महत्वपूर्ण चीज होता है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए इस समीकरण में जीरो नहीं होगा। अगर इस प्रकार के समीकरण आपको दिखाई दे तो आपको यह पहचान लेना है कि यह क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि एक गुणनखंड विधि है, ठीक उस तरीके से भी हम द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, मेन चीज होती है कि द्विघात समीकरण के ब्रह्मास्त्र जो कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम, आखिर वो कैसे उत्पन्न होता है, कैसे निकलता है, उस चीज को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का ये रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहला चैप्टर में हमारा काम क्या है, यही पहचान करना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो जिस द्विघात समीकरण का रूप इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है कि ये द्विघात समीकरण है। तो पहला चैप्टर जो है 10वीं का द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण वाला चैप्टर, उसमें यही काम करना है कि आपको द्विघात समीकरण पहचानना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है। इस चीज से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। दूसरा चैप्टर आता है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल किया जाए। तो आइए सीखते हैं पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये है पूर्ण वर्ग बनाकर के हल करना। दोस्तों जानते हैं कि द्विघात समीकरण का रूप ये होता है। अगर अभी पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या होता है कि अपने आप से कुछ ऐसा चीज उसमें ऐड कर देना, कुछ ऐसा चीज उसमें से घटा देना जिसे उसके वैल्यू में कोई अंतर ना हो, और एक जो भी समीकरण हो पूर्ण वर्ग बन के निकल जाए। इसी प्रक्रिया को हम पूर्ण वर्ग बना के समीकरण मतलब निकालना कहते हैं। तो देखते हैं कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने समीकरण दिया गया है, अभी इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो किस प्रकार से करना है आप देखिए, ये पूरा समीकरण है। अगर इस समीकरण में हम 4a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में समीकरण के दोनों पक्षों में 4a से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। देखते हैं 4a से मल्टीप्लाई करके, तो यहां अगर 4a से मल्टीप्लाई करते हैं 4a से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं, तो यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स प्लस 4a c इज इक्वल टू जीरो, होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक। अब यहां क्या करते हैं, यहां कर लेते हैं 2a x का होल वर्ग हो जाएगा ये, चलिए ठीक। यहां फिर 2 इंटू 2a x इंटू बी हो जाएगा प्लस 4a c इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब देखिए यहां हो गया 2a x प्लस 2 इंटू 2a x b प्लस, यदि हम इसमें b स्क्वायर जोड़ करके और घटा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम यहां पर कर देते हैं b स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, कोई अंतर नहीं होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा। तो यही कहने का मेन मकसद ये है मेरा कि कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा टर्म उसमें जोड़ दे या घटा दे या मल्टीप्लाई कर दे जिससे कि उसके पूरे वैल्यू में कोई अंतर ना हो और हमारा क्या हो जाए, समीकरण आसानी से हल भी हो जाए। तो सेम प्रोसेस यहाँ हमने अपनाया कि यहाँ पे बी स्क्वायर को ऐड कर दिया और उसमें से बी स्क्वायर को घटा दिया तो कोई इसके समीकरण में कोई अंतर तो होगा नहीं, लेकिन हमारा क्या होगा, एक समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा समीकरण, 2ax प्लस बी, ये वाला टोटल टर्म क्या बन जाएगा, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। यदि हम इस तरीके को इसको पक्षांतर कर दें, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइन उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर ए सी हो जाएगा। अब हम इसका यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट में जाता है तो पता है आपको दोनों साइन के साथ लिया जाता है। ठीक, अब चलिए, अब यहां से करेंगे 2ax इज इक्वल टू, ये बी इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। आप यहां देख सकते हो कि x का वैल्यू इस प्रकार से निकल गया, कहां से, पूर्ण वर्ग बना करके। ठीक, तो इसी, यदि हम मान लेते हैं, यदि इस समीकरण के, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के दो मूल निकलते हैं, तो मान लेते हैं यदि इस समीकरण का एक मूल जो है क्या है, अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो आप अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आप अल्फा अल्फा बराबर लिखोगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक, पॉजिटिव वाला लेते हैं अल्फा के लिए, अल्फा के लिए पॉजिटिव वाला लेंगे और बीटा, बीटा के लिए क्या लेंगे, यही निगेटिव वाला लेंगे, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, ये आपका बीटा के लिए निकल गया। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा समीकरण को किस तरीके से पूर्ण वर्ग बना के हल किया जाता है, और द्विघात समीकरण है तो चूंकि दो मूल होगा तो दोनों मूल आप आसानी से निकाल सकते हो। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस पूरे समीकरण को ये जो फॉर्मूला निकल के आया कि अगर डायरेक्ट हम समीकरण, किसी भी समीकरण का द्विघात समीकरण डायरेक्ट मूल निकालना हो तो इस प्रोसेस से डायरेक्ट मूल निकाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है इसे नाम क्या दिया गया, श्रीधराचार्य का नियम। ठीक, यही है श्रीधराचार्य का नियम, इसी पूरा नियम को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का नियम। तो ये किस तरीके से बनता है समीकरण ये आप आसानी से देख सकते हो, वरना बुक से डायरेक्ट याद कर सकते हो कि एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। और यहाँ यहीं पे जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम क्या कहते हैं, विभक्तकर कहते हैं, विभक्तकर कहते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। अब मैं इसे थोड़ा हम रफ कर ले, रफ करने के बाद आगे बताते हैं विभक्तकर का क्या मतलब होता है। ठीक, तो विभक्तकर किसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को ही क्या बोलते हैं, विभक्तकर कहते हैं। अब समीकरण का ये चेक करते हैं कि मूल कब समान होंगे, कब बराबर होंगे और कब काल्पनिक होंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि उस समीकरण का विभक्तकर निकालना। अगर विभक्तकर पता चल जाए
कि जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, जीरो के बराबर है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। पहला स्टेप क्या होता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि विभिक्कर हमारा जीरो से क्या हो, बड़ा हो, तो उस समीकरण का क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। दूसरा नियम क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, यानी कि दोनों मूल क्या होंगे, एक समान होंगे, लेकिन रियल भी होंगे। और क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी कि एक ही वैल्यू जो निकल के आएगा वही वैल्यू रहेगा, यानी कि समीकरण के जो दोनों मूल होंगे वो एक ही होंगे और दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। मान लीजिए कि x इज इक्वल टू आ गया 5, तो y का वैल्यू भी क्या होगा, मतलब दूसरा वैल्यू क्या होगा, वो भी क्या होगा, 5 ही होगा। इसका मतलब यही है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो तो समीकरण के दोनों मूल समान होंगे और बराबर होंगे, ठीक। और तीसरा कंडीशन होता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, अगर इसका वैल्यू जीरो से कम आ जाए तो मूल क्या होंगे, असमान होंगे और काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे, ठीक। ये तीन बात को याद रखना है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन जीरो तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे लेकिन वास्तविक भी होंगे, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि यदि समीकरण के आपको मूल दिए हुए हैं, समीकरण के मूल दिए हुए हैं, उन मूलों के सहायता से आपको पुनः क्या बनाना हो, समीकरण बनाना हो, तो समीकरण किस तरीके से बनाते हैं, ठीक। ये है आपका, मान लीजिए समीकरण दिया हुआ मूल है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये है x का जो दो वैल्यू है, ये आपका है समीकरण निकल के आ गया है वैल्यू बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यदि हमें समीकरण का मूलों का योग निकालना हो, मूलों का योग निकालना हो, यानी कि आपका अल्फा इज इक्वल टू दिया है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। मूलों का योग निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट आप अभी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से निकालना है, लेकिन ये स्टेप आपको क्वेश्चन में फॉलो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एक स्टेप करना है और आपको फटाक से मूलों का योग निकल के आ जाएगा। फिलहाल इसका लॉन्ग वर्जन देख लेते हैं कि किस तरीके से वो फॉर्मेट बनता है। यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू ये है, यानी कि माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहां देखिए प्लस का साइन है और यहां क्या है, माइनस का साइन है, तो इस प्लस को साइन को हटा करके डायरेक्ट क्या कर देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं यहां पे, ठीक। चलिए हम प्लस ही लगाते हैं, ठीक। अब देखिए माइनस बी, यहां आपका
एलसीएम समान हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक, ये प्लस और माइनस, माइनस माइनस बी, ये फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक। अब आप यहां से देख सकते हो कि ये वाला जो पद है कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस टू बी अपॉन टू ए, टू से टू कैंसिल, आपका मूलों का योग कितना निकल गया, गया? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी कि क्या होगा, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो अब आप आसानी से ये पूरा स्टेप यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आपका एक तरीका मिल गया कि मूलों का योग किस प्रकार से निकालना है। तो मूलों का योग निकालने के लिए क्या होगा, मूलों का योग इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का यूज आप डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्ट आंसर अपना लाएंगे। तो इस तरीके से मूलों का योग निकालना हम लोग सीखे हैं। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इस मूलों के योग को क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मूलों का गुणनफल निकाल के दिखाते हैं कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल किस तरीके से निकलेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू हमें पता है, अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये अल्फा हो गया। बीटा क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, क्लियर, फोर ए स्क्वायर। ऊपर वाला क्या है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, बी स्क्वायर है। तो डायरेक्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, माइनस वाला साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जानते हैं कि वर्ग करने पे माइनस वाला साइन हट जाता है, और यहां हो जाएगा माइनस बी, यहां हो जाएगा आपका ये रूट हट जाएगा, माइनस बी माइनस फोर ए सी बटे फोर ए स्क्वायर, यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर, ये माइनस साइन से क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस से मिलके प्लस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये वाला टर्म आप देख सकते हो आसानी से कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका निकल के आ जाएगा फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये चार से चार कैंसिल, एक और एक घर कैंसिल हो गया, ये क्या निकल के आएगा, सी बाई ए, सी बाई ए मतलब अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप आसानी से ये आपके लिए फॉर्मूला बन के आ गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, इसे कहते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अगर निकालना हो तो डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए निकाल सकते हो। इस तरीके से समीकरण को कैसे हल करना है, क्या करना है, आपके सामने सारी चीजें क्या है, खुले किताब की तरह पड़ी हुई है। अब आपके सामने अगर दे दिया जाए क्वेश्चन कि किसी भी समीकरण का, किसी समीकरण का मूल, किसी समीकरण का मूल दिया है, मूल दिया है, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू दे दिया है तीन और बीटा, बीटा का वैल्यू दे दिया है दो, तो इस तीन और दो से हम समीकरण कैसे बनाएंगे, इस चीज के लिए आप एक तरीका आपको बता रहे हैं कि फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मूला आप याद रखिए,
जहां s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी कि मूलों का योग। मूलों का योग कैसे निकालना है आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने आपको निकाल के दिखाया था, माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। यानी कि एस इक्वल टू क्या है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे पी, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। E का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल किस तरीके से निकाला जाता है, ये निकाला जाता है। तो आपको पहले ये इतना स्टेप करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, तीन दो पांच, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर तीन दो पांच और अल्फा बीटा बराबर तीन दुना छह। अब आपको इससे समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस इक्वल टू कितना आ गया, एस इज इक्वल टू आ गया है आपका पांच, यानी कि पांच एक्स प्लस पी इज इक्वल टू कितना आया, छह बराबर शून्य। तो ये आपका समीकरण बन के आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। मूल अगर दिया हो तो समीकरण कैसे बनाना है ये सीख लिया हमने। तो इस तरीके से आप ये नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।